Hi guys, this is Abhishek. Hey guys, this is Amit Giri. Hey guys, this is Amit Singh. And welcome back to Krishna Views. So guys, कैसे आप लोग? We hope you all are doing extremely well. अगर नहीं हो गए तो भी हो. अगर नहीं. तो guys, आज हम जिस वीडियो पे react करने वाले हैं, वो है एक बाइक वीडियो, बाइक से related वीडियो. मतलब और आज पहली बार अमित हमारा बोलेगा. बोलेगा और बहुत, बहुत वो बोलेगा ही बोलेगा. और बहुत बोलेगा क्योंकि ये है इसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, है ना. वीडियो का नाम है कराची ट्रैक हेवी बाइक रेसिंग 2018 एक्सपेडिशन पाकिस्तान के चैनल से. आप इनका चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल वीडियो की, आप वहां से जाएं और इनका चैनल भी सब्सक्राइब करें. और बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं. लास्ट में बात करेंगे बहुत सारी, इतने सारे अमित भैया बोलेंगे बहुत सारे. वन अमित के फैंस दिल थाम के बैठो. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Oh, क्या sound है भाई साहब? नहीं मुझे नहीं पता sound. Oh, क्या बात है? ये सब तो अपना मित्र कावासाकी H2 वहाँ प्राइवेट रोड ही आया है सर. हाँ देखो बाइक के नाम कावासाकी H2 वर्ल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बाइक है. वो पीछे वाली है ना, वो कावासाकी H2 है. उसमें कैसा एसी वेसी लग रहा है? हाँ उसमें फुल एसी आता है. इंडियन BMW R2 पंजाबी साइलेंसर भी बोलते हैं. पंजाबी नहीं, कस्टमाइज साइलेंसर बोलते हैं. ये 2.4 ये कावासाकी H2 नहीं, ये है ना, ये क्या है, बाइकर का ड्रीम है. किसका ड्रीम है? हाँ किसका ड्रीम है? दुनिया में जितने भी बाइकर्स हैं ना जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका ड्रीम है ये यामाहा V-Max. जॉन अब्राहम के पास भी है. हार्ले डेविडसन यही तो चाहिए एक बाइक रेसिपी है. और एक बंदी वो तो ये होगी तो मिल जाएगी ब्रो. पीछे ट्रैम थी सर. इन्होंने भी कस्टमाइज किया है इसको साइलेंसर को. ऐसी बाइक जो होती है ना वो मोस्टली टूरिज्म की होती है, वो लंबी ट्रैवलिंग होती है, ट्रैवल की है. अगर तुम कोई लंबी डेस्टिनेशन पे जाना है हायाबुसा, सुजुकी हायाबुसा, इसका साउंड मेरे को बहुत सही लगता है. ये कावासाकी Z800 Z सीरीज में की सबसे मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बाइक्स है कावासाकी Z सीरीज. इन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं डाला होता तो बहुत अच्छा काम किया होता. ये Z1000 Z सीरीज की सबसे ऊपर वाली मॉडल. ओह
बैकग्राउंड साउंड बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लगा क्या बात होती है यार असली साउंड निंजा थाउजेंड दे देगा कावासाकी निंजा थाउजेंड दे इससे पहले ग्रीन और ब्लैक हम सुबह ना रहे हम सुन रहे ये बहुत मस्त ये इसलिए तो इसका इसका प्राइस पता है 45 लाख दो दो है ये आगे वाली है ना वो सिर्फ H2 है और पीछे वाली है H2R और H2RR है ना जो सबसे टॉप मॉडल इसका वो है 70 लाख का नहीं इसके टॉप टॉप मॉडल में मॉडल में होता ही है सर नेविगेशन मतलब फोर बाइक नेविगेशन मेरे को सारी बाइक से क्या अच्छा है ये डुगाटी ये डुगाटी है डुगाटी भी है डुगाटी का पीछे वाला टायर इतना मोटा होता है डुगाटी पानी का ले V4S उसके इस बाइक का पूरा नाम डुगाटी पानी का ले पानी का ले ये देख BMW के जलवे ये निंजा 1000 300 पता नहीं बैन कर रहा था उसका पॉल्यूशन लगता है बहुत सारी Z800 आएंगी यामाहा भी मैक्स में नंबर प्लेट नहीं बताया एक ही वीडियो में मतलब तबाही है इस वीडियो में यामाहा भी मैक्स है ये जॉन अब्राहम की फेवरेट बाइक है और उसने उसके पास है अभी उसका ब्रांड नंबर से कर रहा है उसका ब्रांड नंबर से कर रहा है इसमें दो दो हुआ है डबल पिस्टन भी है देख रहे हो अभी तो पता ही इसकी प्राइस है ऑफ रोड बता रहा हूँ देखो एक्स शोरूम तो बहुत वो है ऑफ रोड मतलब ऑफ रोड है इसकी 18.68 लाख कुछ इंडिया में ये आया ना असली माल Z1000 कावासाकी निंजा ये भी तो ड्रीम बाइक ये ना मेरे को ये जो तामझाम वाली बाइक होती है ड्रीम बाइक कौन सी है कावासाकी Z1000 जो पूरी नेकेड आती है H2 एंड H2R भाई साहब क्या तबाही है वीडियो है और मैं जिस बाइक की बात कर रहा था BMW आ रहा है तेरी ड्रीम बाइक दिख रही है मैं क्या ये BMW आ रहा है होंडा CBR 650 बहुत दिल्ली में बहुत चलती है तेरी फेवरेट बाइक नहीं आ रही डुगाटी की ना डुगाटी नाम है गाड़ी यहाँ पर खड़ी नहीं है मस्त ये लोग बुला बुला के लाए
ऐसे दोस्तों के साथ मजा आता है। ओहो ये अच्छा, इसका लुक की वजह से ये बहुत फेमस है और इसकी स्पीड है ना, मैं बोलूंगा तो तुम विश्वास नहीं करेगा, 410 किलोमीटर पर सुपर चार्ज। इसका इसको देखकर लोग पागल हो जाते हैं स्पीड। इसमें दो लोग नहीं बैठ सकते भाई। ये वीडियो है तबाही, तबाही है तबाही। अभी कोई टायर बंद नहीं कर रहा है यार बाइक पे। खत्म हो गई क्या वीडियो थे यार भाई, दुआ दुआ कर दिया। बोलो अमित, अमित तब जो जो बोलना चाहो, जिस जिस बाइक के बारे में बोलना चाहो बोलो, आपके सवाल बताओ। सवाल तेरी फेवरेट बाइक के बारे में बता। कावासाकी Z1000 क्या क्या है उसमें, क्या है क्या है, नहीं है वो जो तू बाइक बोल रहा था ना, कोई कहता है वो सभी बाइकर्स का ड्रीम होती है H2R। दो मॉडल बताए उसमें खास क्या होता है। उसमें खास ये है उसकी स्पीड, जो उसकी टॉप मॉडल है ना H2RR, H2R नहीं, H2RR है, वो स्ट्रीट लेकर किसी भी कंट्री में नहीं है, वो सिर्फ है ना ट्रैक और पे रेसिंग पर्पस के लिए बनाई गई है, क्योंकि ये ना उसकी स्पीड है ना 500-600 टच कर लेती है, ऐसा ऐसा देती है। तो कितने सेकंड्स में आप 0-200 हो, सिर्फ 2.4 सेकंड्स में जाती है। अब सोचो और उसका जो लुक है ना थोड़ा ऐसे क्रैकी है और पीछे है ना आराम से लोग बैठ सकते हैं, और उसके सीटिंग पोजीशन मेरे को पता है हैवी बाइक्स क्यों नहीं पसंद, क्योंकि जो सब और झुक के बैठ, हाँ झुक के बैठना पड़ता है, और इन पे है ना अपने स्ट्रीट ड्राइव कर सकते हैं। बट ऐसी बाइक्स है ना जो हैवी बाइक्स का क्या पंगा रहता है कि अपने दूर जा सकते हैं, उस पर ट्रैवल कर सकते हैं, पर फिर तू तेरे बैक में पेन होना चालू हो जाएगा, तो एक दो घंटा ड्राइव करेगा। इसलिए जो भी लॉन्ग ट्रैवलिंग के लिए जो बाइक्स होती है वो बहुत स्ट्रेट होती है। हाँ, तू हिमालयन देख ले, हिमालयन, हाँ रॉयल एनफील्ड हिमालयन, और ऐसे टूरर की टूरिंग के लिए सबसे बेस्ट बाइक मानी जाती है ट्रायम्फ टाइगर एक्स। ट्रायम्फ टाइगर यस, हाँ पता है XCX। बहुत इंडिया में बहुत सारे ब्लॉगर्स ट्रैवलिंग के लिए ट्रायम्फ टाइगर यूज करते हैं, मुंबई का निखिल, मुंबई का निखिल, MSK, और वहाँ के फेमस ब्लॉगर इरफान जुनेजो, उनका एक कोलैब वीडियो भी हुआ था ऐसा। तो गाइस इसके बाद तो बहुत सारा नया नया वीडियो थी जिसमें हमने देखी जहर जहर बाइक, जहर जहर गाड़ियां, दिल गार्डन गार्डन। देखो उम्मीद नहीं थी कि H2 और H2RR वहां पर मिल जाए। H2RR वो लोग स्ट्रीट पे कैसे लाए, पुलिस H2 वो लोग जो लाए ना, डोल थी उनके पास, एक H2 थी खाली और एक H2R थी, और दूसरी जो थी ना H2RR किसी भी कंट्री में स्ट्रीट लीगल नहीं है, RR डबल R टॉप मॉडल है। हाँ, और ये H2R में है क्या क्या, मतलब ऐसा क्या खास है कि इतनी उसमें नाइट्रोजन बूस्टर है, बस दिखती है अच्छी, दिखती अच्छी नहीं है, स्पीड बताया तो सही, स्पीड स्पीड है, नाइट्रोजन बूस्टर है, देखो ABS है, फिर डिटेक्टिंग, मतलब कि अगर सपोज तू बाइक चला रहा है मेंटेनेंस भी कम हो गया ना, दो मिनट सपोज एक्सीडेंट हो गया, फिर SOS, सपोज तूने पांच नंबर डाल रखा है, पांच नंबर पर कहीं पर भी क्रैश होती है तेरी बाइक किसी भी XYZ बंदे से, भले तेरे से ना हो,
तो SOS के थ्रू उस बंदे के पास मैसेज जाएगा कि इस बाइक का एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, आप लोग एम्बुलेंस एम्बुलेंस सबसे पहले जाएगा पुलिस एम्बुलेंस, फिर उसके बाद तेरे जो तीन कॉन्टैक्ट्स है ना उनको, फिर सेफ्टी के लिए भी सही है ABS है और उसका जो साइलेंसर है, साइलेंसर है ना तो तेरे को लगता है कि साउंड से ये ना सिर्फ इतना पॉल्यूशन कितना सारा पॉल्यूशन करती होगी, बट वो 0.8% मतलब 1% भी नहीं इतना पॉल्यूशन करती है। तो गाइस ऐसी बाइक आपको खरीदनी चाहिए और रोड पर चलानी चाहिए ताकि पॉल्यूशन ना हो। तो फिर उसका बता दीजिए एवरेज कितनी देती है वो एवरेज। अब मैं बताता हूँ रेसिंग गाड़ियों से तू कितना एवरेज एक्सपेक्ट कर। मैं मेरी ड्रीम बाइक का बताता हूँ, उसका है पॉल्यूशन 12 किलोमीटर पर आवर पॉल्यूशन तो नहीं बढ़ेगा पर पेट्रोल खत्म हो जाएगा, फिर क्या करोगे? तो उसके काबिल बनो, उस बाइक में पेट्रोल लगाने किधर से लाओगे? पैसा होगा पर पेट्रोल ही नहीं होगा तो किधर से लाओगे? सुनो तो जब काबिल बन जाओ ना तब लाओ ऐसी बाइक। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, भी होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको भी अगर बाइक्स और गाड़ियों का शौक है तो प्लीज ये वीडियो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, हमारे एक और चैनल भी है शिल्प व्यूज के नाम से, आप उसे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जिस जिसको बाइक का शौक है वो कमेंट सेक्शन में हमें रेज हैंड कर दे ताकि अमित उन सबको लाइक देगा और अपनी पूछेगा के साथ शेयर करेगा, पूछेगा कौन सी बाइक है, फिर उसकी डिटेल देगा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए वो भी बताएगा। हाँ। नहीं ये काफी लोगों को शौक होता है ऐसी मतलब हैवी बाइक्स का, बट अपनी अपनी चॉइस पे डिपेंड। तो गाइस फिर मिलेंगे इसी तरह की अभी वीडियो कल फिर मिलेंगे कल इसी तरह की किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी गाइस, बाय।